हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। माय नेम इज एनके त्यागी। और स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है आज के टैबलेट का। हम लोगों को टैबलेट जो लेनी है वो क्या है आज? टुडे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। स्टूडेंट्स, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की दो वीडियो इससे पहले भी बनाई हैं, जो पार्ट वन और पार्ट टू के नाम से पहले से हैं, उनको आप देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए कराया हूं, तो रेडी हो जाइए कुछ ना कुछ सीखने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं, वन वर्ड का मीनिंग सब लोग जानते हैं क्या? बहुत सारे वर्ड्स के लिए जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना देरी किए चीजों को जल्दी समझते हैं। फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। मतलब तो सब लोग समझ गए होंगे क्या है। एक जो बच्चा जो पैदा होता है, किसके बाद पैदा होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। सपोज करिए कोई बच्चा है और उसके फादर की डेथ, सॉरी, कोई फादर है और फादर की डेथ हो जाए, उसके बाद कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ये है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पोस्थमस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। स्पेलिंग को मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट्स, मैं स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस आपको कराता हूं। तो क्या कहा मैंने? पोस्थमस, POS, ध्यान रहे क्या है? POS, THUMOUS। स्पेलिंग का नंबर आपको मिलता ही है, चाहे बैंकिंग है, चाहे SSC है, चाहे CGL है। और बैंकिंग पे, सॉरी, SSC पे एग्जामिनर बहुत फोकस करा रहा है स्पेलिंग को लेकर। तो स्पेलिंग क्या है? पोस्थमस है, POSTHUMOUS। देखिए इसको आप ऐसे भी समझे माय डियर स्टूडेंट्स। सब लोग, मैंने कहा एक बच्चा जो अपनी फादर की डेथ के बाद पैदा होता है। सपोज करिए कोई फादर है, वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई है, तो उसके एक महीना बाद या दो महीने बाद या तीन महीने बाद पैदा होता है, तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? पोस्थमस बोलेंगे। यही पर स्टूडेंट्स, पोस्थमस सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं है। कई बार क्या होता है, देखिए कोई बुक कोई राइटर बना रहा है और राइट वो बुक बन गई है लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ए बुक दैट हैज बीन पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। वो जो ऑथर था बुक का, वो मर गया है, डाइड हो गया, एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसके मरने के बाद उस बुक को पब्लिश किया गया है, तो उस बुक को भी हम पोस्थमस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्थमस। तो ये दो जगह काम करेगा। फर्स्ट मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, माय डियर, क्या कहा है मैंने? एक बच्चा जो अपनी फादर की डेथ के बाद पैदा होता है, बोर्न होता है, तो उसे पोस्थमस बोलेंगे। और एक बुक, क्या बच्चों? वो बुक जो कब पब्लिश की गई है, जब ऑथर उस बुक का मर गया है, डाई हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो तब आप उस बुक को पब्लिश करते हैं, तो उस बुक को बोलेंगे हम पोस्थमस बुक। बोलिए मेरी बात क्लियर निकली है? क्या बोलेंगे? पोस्थमस बोलेंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर हुई है? लेट अस सी नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा है? द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ। देखिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा एक स्टेट है जिसमें बिना वाइफ के कोई पर्सन रहता है, मतलब उसे शादी नहीं की, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, स्पेलिंग पे बहुत फोकस करें, CELIBACY। क्या स्टूडेंट्स? सेलिब्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई एम रिपीटिंग, CELI, क्या? CELIBACY, सेलिब्रेसी बोलेंगे, ब्रह्मचर्य बोलेंगे। एक ऐसा पर्सन जो बिना वाइफ के ही रहता है, विदाउट वाइफ रहता है, तो पर्सन सेलिब्रेसी है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य पर्सन है। बोलिए बात क्लियर नहीं क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। मतलब क्या है? थर्ड इज दैट, जब गवर्नमेंट को कौन चलाते हैं? ऑफिसर्स चलाते हैं। जैसे अगर बात करें पाकिस्तान की, अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसके वहां के जो कौन है? ऑफिसर्स है, जो आर्मी लोग हैं, आर्मी के जो ऑफिसर्स है वही लोग चलाते हैं। आर्मी के नहीं, चाहे वो आपका पुलिस के भी ऑफिसर्स हो, कोई भी ऑफिसर्स हैं, जब उसे लीडर्स नहीं चला रहे हैं, वो जो गवर्न हो रही है वो लीडर्स गवर्न नहीं कर रहे हैं, उस सरकार को कौन चला रहा है? उस सरकार को ऑफिसर्स चला रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नौकरशाही। हम कहते हैं भाई यहां तो नौकरशाही है, मतलब ऑफिसर ही चला रहे हैं।
तो क्या बोलेगी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, नौकरशाही होता है। जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, क्या है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं वहां ब्यूरोक्रेसी है। क्या है वहां? ब्यूरोक्रेसी है। बोलिए मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ब्यूरोक्रेसी, बी यू आर, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग इज दैट, बी यू आर ई ए यू सी आर ए सी वाई, तो स्पेलिंग में हम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या है? ब्यूरोक्रेसी, बी यू आर ई ए यू, ध्यान दीजिएगा बी यू आर ई ए यू सी आर ए सी वाई, ब्यूरोक्रेसी है तो वहां नौकरशाही है। देखिए मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूं क्या नौकरशाही। नेक्स्ट लिखते हैं ए मैन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन सब नहीं होते। क्या कहा मैंने? एक आदमी है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है वो क्या है? ए मैन, एक आदमी हु इज ए ग्रेट लवर, जो बहुत ज्यादा प्यार करता है। किसको प्यार करता है? किताबों को। भाई किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन है। आप कह सकते हैं ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, जो किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता है। ऐसे बहुत कम लोग आज की डेट में मिलते हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बिब्लोफाइल, बी आई बी, क्या बी आई बी, ध्यान रहे मैं स्पेलिंग बहुत ध्यान से आप लोगों को बताता हूं, बी आई बी एल आई ओ पी एच आई एल ई, क्या है? बिब्लोफाइल। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या बोलेंगे? बिब्लोफाइल बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी आई बी एल आई ओ पी एच आई एल ई, बिब्लोफाइल। तो बोलिए याद हुआ नहीं याद हुआ? क्या है? बिब्लोफाइल पर्सन है जो किताबों का बहुत शौकीन होता है। तो आगे चले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैरिज ऑफ गॉड। आप लोग सुनते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा भाई आज तो शिव पार्वती की शादी है, तो जो भगवान की शादी है, जैसे हम लोग बहुत सारे भगवान की शादी मनाते भी, जैसे हम लोग क्या बात करें क्या सीता विवाह आप लोग सब सुनते हैं, अभी आप लोग सुन रहे थे तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह तो मैं नहीं कहूंगा, तुलसी वैसे गोड़ी है, गोड़ में हम लोग उसे मांगते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं सॉरी, तो तुलसी विवाह है या फिर रामचंद्र विवाह है। तो भगवान की जितनी भी मैरिज है, उस भगवान की मैरिज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ये है, क्या ईश्वर विवाह, अगर हिंदी में क्या बोले? ईश्वर विवाह। देखिए हिंदी में क्या बोल रहे हैं? ईश्वर विवाह, लेकिन इंग्लिश में मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, थियो, टी एच ई ओ, क्या स्टूडेंट्स? थियोगैमी, जी ए एम वाई, ईश्वर विवाह को बोलेंगे आप लोग क्या? थियोगैमी, टी एच ई ओ जी ए क्या एम वाई। तो बोलिए बच्चों याद हुआ नहीं याद हुआ है? थियोगैमी का मतलब क्या है? ईश्वर विवाह है। आई होप सो फ्रेंड्स मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातें बिल्कुल समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास क्या? सिक्स नंबर पर अगर देखते हैं, बी अनेबल टू पे वन स्टैट, क्या मतलब है? मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स, क्या है? एक ऐसा पर्सन, कौन सा पर्सन? बीइंग अनेबल, जो अनेबल है, योग्य नहीं है टू पे वन स्टैट, वो अपना कर्ज नहीं दे सकता है। एक ऐसा पर्सन है जो अपना कर्ज चुकाने में अनेबल है, तो वो क्या हो गया? वो दिवालिया हो गया है, जिसे हम कहते हैं बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट, बी ए एन के आर यू पी टी, क्या है? बैंकरप्ट। लेकिन मैं यहां बैंकरप्ट लिखूं, या स्टूडेंट्स देखिएगा मैं एक वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, आई एन S O L V E N T, जरा ध्यान दीजिए क्या है? इंसॉल्वेंट। आप बैंकरप्ट बोलिए या इंसॉल्वेंट बोलिए, डिपेंड ऑन यू, बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो मैंने क्या कहा है? इंसॉल्वेंट, आई एन एस ओ एल वी ई एन टी, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, बोथ आर द राइट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लेट अस सी, नेक्स्ट वर्ड इज दैट लॉस ऑफ मेमोरी। अगर कोई पर्सन है जिसकी मेमोरी चली जाती है, अक्सर आप लोगों ने सीरियल में देखा था होगा कि भाई एक्सीडेंट हुआ और मेमोरी चली गई। एक मूवी आई थी गजनी, उसमें उनकी मेमोरी चली जाती है, किसकी? आमिर खान की। तो उसको कौन सी डिसीज हो गई है, अब उसको कौन सी बीमारी हो गई है? स्टूडेंट्स जब किसी की क्या चली जाए, मेमोरी चली जाए, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी चली गई है, तो उसे एमनेसिया हो गया है। क्या हो गया? ए एम एन एस आई ए, उसे एमनेसिया हो गया है। स्पेलिंग एकदम राइट होनी चाहिए, ए एम एन ई एस आई ए, उसे एमनेसिया हो गया है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग क्या है? एन एडमायर ऑफ आर्ट, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आज की वीडियो से मैं जितने भी वर्ड लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और यार ये कई बार पूछे गए हैं। मैं आप लोगों से इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। एन एडमायर, एडमायर मतलब एक पर्सन जो एडमायर करता है, जो प्रशंसा करता है। प्रशंसा किसके कर रहा है?
आर्ट की, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कला का प्रेमी। कला मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया, यार ये तो बहुत अच्छा काम किया है। एक ऐसा पर्सन जो प्रशंसा करता है जो भी कला, जो भी टैलेंट आपके पास है, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पर्सन को अगर हिंदी में बात करें तो बोलेंगे क्या? कला प्रेमी। क्या बोलेंगे? कला प्रेमी। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो ये पर्सन ये है डिलिटेंट। जरा स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, एसएससी में कई बार आया है, DILETENT डिलिटेंट। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? कला प्रेमी बोलेंगे। तो बताइए बच्चों मेरी बात समझ में आई नहीं? समझ आई है? डिलिटेंट क्लियर हुआ? डिलिटेंट का मतलब ही कला प्रेमी। स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ बोला करें, क्या डिलिटेंट कला प्रेमी? लॉस ऑफ मेमोरी, अमनेसिया, क्या बीइंग अनेबल टू पे वन्स डेब्ट, क्या है इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, क्या है मैरिज ऑफ गॉड, गॉड की अगर जो शादी है, भगवान की जो शादी, उसे क्या बोलेगी? थियोगैमी। नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा? ए मैन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे पास? ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स, जब गवर्नमेंट को ऑफिसर्स चलाते हैं तो वहां पर क्या है? वहां पर ब्यूरोक्रेसी है। एंड सेकंड नंबर मैंने क्या लिखा है? द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ, एक ऐसा पर्सन जो बिना वाइफ के रहता है उसे बोलेंगे सेलिबेसी। वो स्टेट, उस पर्सन को नहीं, उस अवस्था को सेलिबेसी बोलेंगे। पर्सन तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुआरा बोलते हैं, लेकिन यहां पर बैचलर जिसको हम लोग बोलते हैं, बैचलर तो है लेकिन देखिए ये हमेशा ही रहता है बिना वाइफ के, तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य की सिचुएशन में है, ब्रह्मचर्य पर्सन है। सेलिबेसी पर्सन हुआ। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मैंने कहा है पोस्टमस है। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, मुझे याद है लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करता हूं, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, अगर हम देखें, सॉरी फॉर दैट, लास्ट वीडियो का मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग को सिनोनिम्स बताना था। किसका सिनोनिम्स बताना था? एडवर्सिटी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है, लेकिन सब लोगों ने कमेंट मुझे नहीं आया, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो आइए जरा, मैंने क्वेश्चन ये था सिनोनिम्स ऑफ, क्या था स्टूडेंट्स?